ईमानदारी की बात बताए साहब जी, पहले तो आपका नहीं था ना लाइसेंस, नहीं था मतलब नहीं था, उसको आप कुछ भी बोल लो नहीं था। ये तो लिखा जानबूझ के मतलब डाइल्यूटेड करके कंडीशन लगाई गई थी। सी की जांच हुई सर। हाँ, असली मुद्दा वो है, क्योंकि रिक्रूटमेंट रूल को आप बाईपास करके विज्ञापन क्यों निकालोगे? क्या ब्रिंग अ वीक्स टाइम लॉर्ड, नेक्स्ट वीक विल आर बी हो देयर। गया इसमें, क्या हो कर दिया मिस्टर, यू आर मिस्टर अवस्थी ना? यस, क्या हो डॉक्टर साहब? सर लास्ट टाइम हमको एक एफिडेविट ऑनरेबल कोर्ट ने हाँ कहा था फाइल करने 64 रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ द ऑफिसर्स अगेंस्ट द इंक्वायरी हैज बीन कंडक्टेड, तो हाँ। हमने फाइल किया है सर। व्हाट आर स्टेटस यू प्लेस ऑन रिकॉर्ड? सर जो इंक्वायरी हुई थी सर, उसमें टोटल 22 लोग की इंक्वायरी हुई थी, जिसमें से एक की डेथ हो चुकी है। 21 लोगों में से 8 लोगों को जांच के बाद क्लीन चिट मिला है, दोषी नहीं पाए गए थे। और जो 13 लोग बचे थे सर, उसमें से 6 लोगों को कोर्ट से स्टे है, ऑनरेबल कोर्ट से, उसको हमने A4 पेज नंबर 212 में एक टेबल बना के एनेक्स कर दिया है A4। और ये 6 के बाद जो 7 लोग बचते हैं, 7 में से 4 और 1, इनके अगेंस्ट सर एक्शन ले रहे हैं टेंटेटिवली, उनको उसके लिए नोटिस किया है इंक्रीमेंट वगैरह के लिए। और 2 जो हैं उनका सर अभी तक इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं फाइनल हुई है, क्यों नहीं हो पाया? तो जांच आयुक्त से सर हमको मिली नहीं है। हाँ आज दी जांच आयोग की कंप्लीट दी। जी, अभी इनके खिलाफ क्या है जो पिटिशनर है, ये बॉर्डर देयर पिटिशनर के खिलाफ क्या है, ये दे हैव बीन टर्मिनेटेड? नो नहीं, नोट्स, दे दे आर आर स्टिल वर्किंग इन सर, वर्क विजन। वर्किंग। तो व्हाट एक्शन यू आर इनके खिलाफ इंक्वायरी कंप्लीट हो गई? जो पिटिशनर्स हैं नियुक्ति सर पिटिशनर्स की नियुक्ति को लेके है सर। अधिकारियों के अगेंस्ट अच्छा थी। यस यस यू आर राइट, आप तो अपॉइंटिस थे। यस, यस दे आर प्रेजेंटली दे आर वर्किंग सर ऑल पिटिशनर्स। राइट। नाउ व्हाट इज द मटेरियल कलेक्टेड अगेंस्ट दिस पीपल बाय यू? सर लास्ट पिछले तारीख में सर जो यहाँ पे डिस्कशन हुआ था हाँ सर, हाँ हाँ मेनली इशू सर ड्राइविंग लाइसेंस को लेके हाँ था। यस तो लर्निंग लर्निंग लाइसेंस को मानते हुए इनको अपॉइंट किया था, हाँ उसी बात को लेके ही इंक्वायरी हुई आप पाए। अगर ये बताइए जी कि ड्राइविंग लाइसेंस, आप मिस्टर साहू यू नाउ टेल अस कि अगर ड्राइविंग लाइट मोटर व्हीकल इज रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ बिल्कुल दी अपॉइंटमेंट और असेंशियल कंडीशन, दिस शुड बी एड्रेस्ड बाय द काउंसिल फॉर द पिटिशनर। आपको एड्रेस करना है, इन्होंने तो अपना काम कर दिया, अब अपना काम करो। हाँ, तो मतलब जो हमारा अपॉइंटमेंट एट द टाइम ऑफ इनिशियली जब एडवर्टाइजमेंट आया तब ये कंडीशन नहीं थी, सब्सिक्वेंटली उन्होंने ऐड की। जब और रूल में क्या बाय बोलता है, रूल में क्या बोलता है? मतलब एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग द इश्यूएंस ऑफ आवर अपॉइंटमेंट ऑर्डर, व्हाट द रेस्पोंडेंट्स हैव स्टेटेड मतलब कि एट द रूल टाइम ऑफ रूल रूल क्या ज्वाइनिंग बोलता है, रूल क्या बोलता है, रूल्स सेज मतलब द टाइम ऑफ ट्रेनिंग लाइसेंस इज नॉट रिक्वायर्ड रूल्स, ये कहता है कहाँ है रूल बताइए, विच रूल यू आर रेफरिंग? मतलब यस 8207 ऑफ 2018 में वी हैव फाइल्ड द एंटायर ट्रेनिंग मैनुअल। चंद्र कुमार यादव व्हाट इज द स्टेचरी रूल फ्रेंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट? दिस इज द ट्रेनिंग मैनुअल नो, वी आर नॉट कंसर्न विद द ट्रेनिंग मैनुअल मिस्टर कंसिल। एज पर द यू आर मैनुअल एन एम्प्लॉय ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, व्हाट आर द रूल्स फ्रेम्ड अंडर आर्टिकल 309 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द स्टेट इन दिस रिगार्ड, प्लीज टेल अस। रो रूल्स हमारे पिटीशन में लगा हुआ है एनेक्शन बताइए कौन सा रूल लगाए थे आप? लॉर्ड एट द टाइम ऑफ 2000 रूल्स ऑफ 2005 वाज प्रिवेलिंग लॉर्ड्स। व्हाट इज दिस, वेदर द लर्निंग लाइसेंस इज कंपल्सरी? यही तो हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था आपसे। लाइसेंस ऑफ एलएमवी वाज रिटन मतलब पेज नंबर 73 यस, वो तो ठीक है, आपको रूल बताओ ना फिर। रूल्स में ये लिखा हुआ है लाइसेंस ऑफ एलएमवी। लर्निंग अगर लाइसेंस नहीं होगा और आपके पास लर्निंग लाइसेंस था, लाइसेंस था एट द टाइम ऑफ फॉर्म अच्छा ये एंड एट द टाइम ऑफ बताओ, ज्वाइनिंग वी हैव नहीं सबमिटेड नहीं दी ये बताओ, आप लेट्स लर्निंग जो लाइसेंस है जी वो लाइसेंस की परिभाषा में कब तक आता है? जब तक आपने ज्वाइन कब किया था, ऑन द नहीं फॉर्म कब भरा था? फॉर्म भरा था मिलोट्स
हमने बोला था लॉर्ड सितंबर 1/9/2010 से 25/9/2010 के बीच में लॉर्ड्स, है डिफरेंट ना। डिफरेंट डेट्स। 25 तो ये 6 कितने दिन के लिए लर्निंग लाइसेंस वैलिड रहता है? 6 months और एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग लॉर्ड्स वी हैव सबमिटेड द परमानेंट लाइसेंस। तो वेदर एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म, व्हाट वाज दी, अभी आई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया दैट गोज अगेंस्ट यू आल्सो अगेन, एट द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म मिनट्स दी रिक्विजिट डॉक्यूमेंट शेड बी अवेलेबल विद यू। एट द ये तो एकदम लीगल की पोजीशन मिनट्स क्लियर वो है मिनट्स। है ना। अब आप ये हाँ बताओ, लर्निंग लाइसेंस जो है वो आपका असेंशियल है? हमने लास्ट टाइम भी आपसे यही पूछा था कि वेदर इट विल बी फॉल विद इन दी असेंशियल क्वालिफिकेशन और रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। मिनट्स इफ रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन देन कैन बी हैव ए सिंपैथेटिकल व्यू, इफ इट इज अ नेसेसरी क्वालिफिकेशन देन हाउ कैन बी। ट्रेनिंग एज पर द ट्रेनिंग मैनुअल इट वॉज अ रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एज पर द रूल्स इट इज ओनली रिटन लाइसेंस ऑफ LMV बस नथिंग तो एल्स। देन तो आपको क्या पढ़ाना है, आपको क्या क्या सिखाना है? तो मैकेनिक मोटर मैकेनिक दे आर 3 कैडेट्स। जब मोटर मैकेनिक का अगर आप गाड़ी नहीं चला पाओगे, लाइसेंस नहीं होगा, और मान लीजिए आप ट्रेनिंग में गए, कोई एक्सीडेंट कर दिए, समझिए एट द तो फिर डे वीन डे व्हेन आई ज्वाइन दिस सर्विस आई वॉज हैविंग द लाइसेंस ब्लड। नो। अगर मान लीजिए पीएससी जैसी विज्ञापन निकला और 2 महीने में आपका ज्वाइनिंग हो जाता तो लाइसेंस होता क्या? आप ये चीज को समझिए कि ये इतना फैटल है, कि कितना फैटल है लाइसेंस अगर नहीं था। मिनट्स और अभी बार सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आ गया है लेटेस्ट, अभी हाल में कुछ आया ना? नॉट गॉन थ्रू मिनट्स हाँ, ये किसी दूसरे हाई कोर्ट का ही है शायद, कि एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म द क्वालिफिकेशन एंड द डॉक्यूमेंट शुड बी मेड अवेलेबल। मिनट्स इनिशियली जो एडवर्टाइजमेंट आया था उसमें वो क्वालिफिकेशन भी नहीं लिखी थी, क्यों नहीं थी लिखी? लाइसेंस का कंपलसरी ऐसा लिखा नहीं था। ये आपका आपकी भर्ती तो सब्सिक्वेंट एडवर्टाइजमेंट से हुई है, ओरिजिनल सब्सिक्वेंटली बाय वे ऑफ अमेंडमेंट उन्होंने वो लिखा लेके बाय दैट आए। आइटम वी हैव फिल्ड द फॉर्म मिनट्स, जब आप फॉर्म भर दिए तब ओरिजिनल नहीं था? तब इनिशियली नहीं था वो कंडीशन उसमें आपने नहीं लिखा फॉर्म कब भरा है? हाँ, मिनट्स। ऑन डिफरेंट डिफरेंट डेट्स है, और ओरिजिनल कब निकाला है? 25/9/10 को एंड व्हेन, वो उसमें फॉर्म लिखा हुआ है क्या ऑलरेडी? फॉर्म में 1/9/10 का जो तब फॉर्म फिर है आपने उस लर्निंग का क्यों भरा है? मिनट्स अगर नहीं था तो क्यों भरा आपने, क्यों मिनट्स हमने जमा किया फॉर्म, क्यों बिकॉज एट दैट टाइम क्यों क्यों? द क्वालिफिकेशन ऑफ मामला तो गड़बड़ है मिस्टर साहू, इश्ते के मिनट्स कारण आप चल गए 11 से 18 से। कितने साल से नौकरी कर लिए? 13 2013 से कर रहे हैं से कर लिया, आज 11 साल बाद हम इंटरफियर करेंगे। इट्स व्हाट माय रिस्पेक्टफुल सबमिशन मिनट 1 week टाइम टू गो थ्रू दैट रिकॉर्ड मिनट बाय नेक्स्ट उससे मिनट आप देखिए, वो तो हमने जबरदस्ती टाइम पास के लिए मंगवा लिया था, मिनट आपके लिए कोई जरूरत नहीं वो चीज़ है, वो तो हमने ऐसे ही देखने के लिए मंगा ली कि क्या चल रहा है, गवर्नमेंट को थोड़ा एक्टिव करने के लिए। बाकी वो कोई रिलेवेंट ही हम भी जानते हैं उस डॉक्यूमेंट की, एफिडेविट की, आपकी केस में कोई रिलेवेंस ही नहीं है, कोई रिलेवेंस ही नहीं है। आप हम जानबूझ के ऐसी मांगने के मूड हुआ तो मांग लिए, बट देयर इज नो रिलेवेंसी टू दैट। व्हाट अबाउट यू आर प्रोजेक्टिंग द इशू इज दैट वेदर दी असेंशियल क्वालिफिकेशन और नॉट। मिनट्स सो फार एज द इशू ऑफ लाइसेंस आप साहू जी ये तो बताओ, आपका केस तो कमजोर है ईमानदारी मिनट्स की बात। मिनट्स अब ये बताओ कि कहाँ से रास्ता निकाल लें, केस में तो हमको मालूम है, अगर व्हाट इज द सुप्रीम कोर्ट व्यू वेदर दी सिंस यू हैव ऑलरेडी एक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन कैन आई डाइल्यूट दी सिचुएशन, दिस इज टू बी सीन आफ्टर 2011 यू आर वर्किंग ना, 64 मोर देन 2013 से काम कर रहे थर्टीन, हैं। हाँ मोर देन 10 ईयर्स हैज ऑलरेडी बीन लैप्स, मिनट्स योर फैमिली मस्ट हैव बीन सेटल सौरभ डाउन। दम मिनट्स सौरभ साहब, तो वी अच्छा, आपने जो इंक्वायरी की है, जो पनिशमेंट देने, किसी को टर्मिनेशन थोड़ी की हो, नहीं सर अभी तक नहीं हुआ है। किसी को टर्मिनेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मतलब व्हाट इज योर माइंड सेट? अगर कोई पनिशमेंट हार्श ले रहे हैं देन आई ऑल्सो टेक हैव टू टेक अ हार्श डिसीजन, अदरवाइज वी कैन मॉडरेट द सिचुएशन एंड सेटल द इश्यूज लीगली। मैं यू आर बी यू आर बी इन डिफिकल्ट पोजिशन मिस्टर साहू। इफ
बिकॉज द इशू ऑफ लाइसेंस वॉज इशू रेज अर्लियर ऑल्सो एंड बिकॉज एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ये तो बिकॉज ईमानदारी की बात बताए साहब जी, मुलाद्स पहले तो आपका नहीं था ना लाइसेंस, नहीं था मतलब नहीं था, उसको आप कुछ भी बोल लो हाँ नहीं था, ठीक मुलाद्स है। हाँ अब आपकी विज्ञापन जो नियुक्ति की शर्तें हैं हाँ और रिक्रूटमेंट टूल है, सब में बोल रहे ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। नियुक्ति की शर्त में लिखा हुआ था एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आई कैन सबमिट माई लाइसेंस। और भी रूल्स भी क्या लिखा है फिर, रूल्स में लिखा है लाइसेंस ऑफ LMV मतलब लिखा हुआ है। हाँ ये तो लिखा जानबूझ के मतलब डाइल्यूटेड करके कंडीशन लगाई गई थी। नियुक्ति की जांच हुई सर। हाँ असली मुद्दा वो है, क्योंकि रिक्रूटमेंट रूल को आप बाईपास करके विज्ञापन क्यों निकालोगे, एंड नो वन कैन डाइल्यूट दी रूल्स अनलेस दी मॉडिफाइड अंडर 309, मिनट्स देन सर्टेनली मिनट्स दैट इज द इशू कि मिनट्स आपने डाइल्यूट क्यों किया। जी बाय द नेक्स्ट डेट मिनट्स सीनियर विल आर्ग्यू मिनट्स इट विल बी कवर्ड मिनट्स बस ये एनसीबीटी वाला क्या है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग मिनट्स इज द अथॉरिटी मिनट्स हु मॉनिटर्स द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स मिनट्स ये गाइडलाइंस तो बनाती है वेदर मैनुअल्स वेदर दे बनाती हैव फ्रेम एनी मॉडल सर्विस रूल मतलब रिक्रूटमेंट। दैट दे हैव फ्रेम द ट्रेनिंग मैनुअल हाँ वो मैंने हमने लगाया हुआ था उसमें नहीं, इनके रूल सर्विस कंडीशन के बारे में बताओ ना, फिर उसमें सर्विस कंडीशन के बारे में उसमें सर्विस कंडीशन के क्या प्रावधान दिए बताइए जरा, इसमें सर्विस कंडीशन के बारे नहीं में तो कुछ तो लिखेगा कि सर्विस कंडीशन कौन चलाएगा, वो दी रूल्स फ्रेम बाय द स्टेट गवर्नमेंट विल प्रिवेल, हाँ स्टेट कहाँ लिखा है। गवर्नमेंट ऐसा मतलब इट ओनली एडमिनिस्टर द ट्रेनिंग मिनट्स देन व्हाई यू फाइल इट बिकॉज जस्ट टू हैव ए बल्क द पिटिशन, नो मिनट्स आप देन फाइल इट मिनट बिकॉज इनके व्हाट इज द रूल्स रिलेवेंसी। रेलेवेंसी है मिनट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स हैं लाइसेंस के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन है मिलट्स उसमें ये था कि नो पर्सन रिक्वायर्स अ लाइसेंस व्हाइल अंडरगोइंग ट्रेनिंग अंडर द इंस्टीट्यूट्स भाई आप तो ट्रेनिंग थोड़ी ना, आप तो ट्रेनर हो, मिलट्स आप तो नौकर नौकरी प्राप्त कर रहे हो, नौकरी पाए मिलट्स तो फिर क्यों होगा, वो तो लगेगा नहीं आपको। दिस वाज फाइल्ड मिलट्स बिकॉज़ देयर वाज अ क्वेरी वेदर ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ एडमिशन और ड्यूरिंग ट्रेनिंग लाइसेंस वाज रिक्वायर्ड और नॉट अरे भाई वो तो जबरदस्ती बल्की करने के लिए था, वो तो एक स्थिति रहती है। मुद्दे की बात तो इतनी सी है, अगर ड्राइविंग लाइसेंस के समय आप आपके पास नियुक्ति के समय पूरा डॉक्यूमेंट नहीं था तो आपकी नौकरी। अब हमको एक ही चीज बस डिस्टर्ब कर रही है कि 13 साल बाद हम कैसे डिस्टर्ब करें, अदरवाइज देर इज नो हिच फॉर दिस कोर्ट टू डिस्पोज ऑफ द मैटर। नाउ प्लीज टेल मी हाउ टू व्हाट एक्सटेंट द कोर्ट कैन इंटरफियर एंड टेक अ व्यू फेवरेबल मिनट्स टू यू। 13 साल बाद हमको नौकरी से हटाना जम नहीं रहा, मेबी गिवन सम टाइम आई विल गो थ्रू या मिनट्स आपका भी इंक्रीमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मिनट्स मिल रहा है। अभी हमको प्रोबेशन पीरियड हमारा इसलिए नहीं हटा है क्योंकि हमको ट्रेनिंग पे नहीं भेजे हैं वो CTI की ट्रेनिंग पे नहीं भेजे हैं क्राफ्टमैन ट्रेनिंग एक्ट होता है जो 5 साल बाद भेजना होता है बिकॉज ऑफ ऑल दिस इंक्वायरीज हमको वो ट्रेनिंग पे ही नहीं भेजे हैं तो वी आर क्योंकि और फिर रहा, या तो हम सीधे सीधे पिटीशन डिसमिस कर देंगे तो आप 13 लोग सब बाहर हो जाओगे, कितने लोग हैं, तो मिनट्स दे आर 13 हमारे पास मिनट्स 9 हैं और